नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के साथ जवानों की मौत हो गई। उस वाहन में सवार 19 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त किया। ट्विटर पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने देश के बहादुर सेना के जवानों को खोने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पीएम मोदी ने प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि घायल हुए 19 जवानों को कमांड अस्पताल पंचकुला ले जाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जल्दी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने टिप्पणी की, क्षेत्राधिकार पर कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है और इस पर स्पष्टता मांगी कि क्या यूसीसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में दोषी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में 1 साल की सजा काट चुके। पूर्व विधायक ने 20 मई को पटियाला जिला अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल में रहने के 1 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों से उनके साथ कथित वीवीआईपी व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। क्रिकेटर से नेता बने इस क्रिकेटर को लिपिकीय कार्य सौंपा गया है, जो वो अपने अन्य जेल कैदियों के विपरीत अपनी अलग बैरक में करेंगे। जम्मू टाडा कोर्ट ने 1989 में यासीन मलिक द्वारा किए गए अपहरण के मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को तलब किया है। उन्हें 15 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सईद को यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे में गवाह के तौर पर तलब किया गया है, जिसे हाल ही में टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों पक्षों के वकील उससे जरह करेंगे। अक्टूबर 2021 में हुए कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष अपनी अंतिम चार्जशीट पेश की है। एनसीबी ने अपने अंतिम चार्जशीट में कहा है कि आर्यन खान के पास से नशीला पदार्थ अरबाज आर्यन गोमित नुपुर मोहक और मुनमुन को 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी नशीले पदार्थों के कब्जे में पाए गए थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।